मैं और मेरे दोस्त घूमने के लिए गए थे पुरानी हवेली, लेकिन हमें क्या पता था वहाँ पे जाके हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था। हम दोनों वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे एक खतरनाक सी बूढ़ी चुड़ैल रहती थी और उसने हम दोनों को डंडा मार के वहीं पे बेहोश कर दिया। और उसके बाद उसने हमको एक जेल में बंद कर दिया और मेरे दोस्त को उसने कच्चा खा गया और मैं वहाँ से बेहोश होकर पड़ा था। जैसे मेरी आंखें खुली तो मैं वहाँ से भाग के बाहर आ गया। तभी मैंने देखा एक कार खड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं था। लेकिन मैं जैसे जैसे करके सारे पार्ट को ढूंढा और गाड़ी को सही करके भाग के बाहर आ गया। लेकिन ये सब मैंने कैसे किया और मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसी खतरनाक वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैंने जैसे आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, मैं एक जेल में बंद था और वहां पे एक ईंट रखा हुआ था। मैंने सोचा जेल का ताला तोड़ के बाहर चला जाऊंगा। मैंने ताला को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा ही नहीं। पता नहीं अंबुजा सीमेंट शायद बना था और वहां पे एक माउस ट्रैप पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको तोड़ के लॉक पिक बना दिया और उस लॉक पिक से मैंने ताले को खोल दिया और ताले को खोल के मैंने गेट ओपन कर लिया और सामने वाले जेल में देखा कि वहां पे मेरा दोस्त तो बंद था, लेकिन वो मेरा दोस्त अभी नहीं था और वो बूढ़ी ने उसको मार के खा गया था। और यहाँ पे हुक था और उस हुक से ही उसने टांग के रखा था उसको। और दूसरे जेल में जैसे ही देखा वहां पे हड्डी पड़े हुई थी और वहीं पे एक बक्सा था जिसके अंदर मैं छुप सकता हूँ ताकि वो बूढ़ी खतरनाक से औरत मुझे पकड़ ना सके। लेकिन अभी तो कोई भी नहीं था तो मैं बाहर आ गया और वहां पे एक व्हील पड़ा हुआ था, टायर पड़ा हुआ था, पता नहीं टायर का क्या यूज होगा। और आगे जाते ही मैंने यहाँ पे देखा बिल्ली का स्टैचू लगने वाला था, पता नहीं क्या होगा, कुछ तो सीक्रेट डोर खोलेगा। और मैं सीढ़ियों से ऊपर ही आ गया ताकि ऊपर जाकर ढूंढाड़ी कर सकूं मैंने यहाँ से कैसे निकलूं। और बाहर आते क्या देखा, स्टैचू खड़ा हुआ था इधर और साइड में बहुत बड़े कमरा था, लेकिन यहाँ पे क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पे बक्सा पड़ा हुआ था और बक्से के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर क्या, मैं वहाँ पे देखा और एक बक्सा था, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था। तो मैं फटाफट बाहर की ओर आ गया, तभी मेरा नजर पड़ा क्या भाई, वहाँ पे वो बूढ़ी औरत भागते हुए ऊपर की ओर गई। तो मैं ऊपर तो जा नहीं सकता, तो मैं इधर के साइड आ गया और यहाँ पे तोड़ने के लिए इसको मेरे को एक्स चाहिए था, पता नहीं एक्स कहाँ पे होगा। और यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था और फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर मैं दूसरे कमरे में आ गया और बक्से खोला, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था। तो मैं फटाफट इधर किया जा रहा था, तभी यहाँ पे देखा बूढ़ी औरत भागते हुए आगे की साइड गई। तो मैं उस टाइम का फायदा उठा के ऊपर की साइड आ गया और ऊपर आते मैंने वहीं पे हुक फेंक दिया ताकि बाद में काम आए। और यहाँ पे और एक बक्सा था जिसके अंदर मैं छुप सकता था, लेकिन यहाँ पे छुपने कोई जरूरत नहीं था। तो मैं फटाफट लाइब्रेरी के अंदर आ गया और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे स्कॉल लगने वाला है, स्केलेटन का खोपड़ी लगने वाला है, पता नहीं वो कहाँ पे मिलेगा। और सामने बूढ़ी भागते हुए उधर की साइड गई और यहाँ पे कुछ ड्रॉ थे, तो मैंने उसको चेक कर लिया और वहां पे मेरे को एक हैंडल मिला, पता नहीं हैंडल से क्या ही होगा। तो मैंने जाके आगे उसको फेंक दिया। और यहाँ पे टीवी था, लेकिन उसको चलाने के लिए मुझे वीडियो टेप चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ पे मिलेगा। और वहां पे ड्रॉ था, तो मैंने ड्रॉ को चेक किया और हमेशा की तरह उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैं फटाफट बाहर की साइड आ गया और आगे देखा भाई कितना बड़ा घर है ये। और आगे जाते ही डोर को ओपन किया, लेकिन वहां पे मेरे को ब्लू की चाहिए था उसको ओपन करने के लिए। ब्लू की कहाँ होगा मुझे पता नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आगे की साइड आ गया ताकि यहाँ पे ढूंढाड़ी कर सकूं और यहाँ पे ड्रॉ को चेक करने लगा ताकि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। और वहाँ पे मेरे ड्रॉप में मेरे को ग्रीन की मिल गया और ये ग्रीन की मुझे बहुत आगे काम आने वाला था। तो यहाँ पे आगे जाते मुझे पता चला यहाँ पे फायर उड़ चाहिए, कुछ लकड़ी चाहिए उसको आग जलाने के लिए। और यहाँ पे बक्से के अंदर मेरे को क्या मिला भाई, वहाँ पे एक था ड्रेन टेप, पता नहीं इससे क्या होगा। और आगे जाते ही मैंने क्या देखा, एक बक्सा, उस बक्से को खोलने के लिए मुझे एक्स चाहिए था, पता नहीं एक्स कहाँ पे पड़ा होगा और ढूंढना पड़ेगा। और आगे जाते मैं किचन में आ चुका था और यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं भाई, यहाँ पे सामान भी ढूंढना था, इधर कुछ मिल जाए तो। और यहाँ पे एक आइस क्यूब रखा हुआ था, पता नहीं इसका अंदर कुछ तो था, उसको निकालने के लिए मुझे कुछ इसको पिघलाना पड़ेगा। और आगे जाते ही मुझे ग्रीन की का यूज भी पता चल चुका था, तो मैंने ये ग्रीन का यूज किया और वहां से मैं बाहर की साइड आ गया। और बाहर आते इतना बड़ा गार्डन था और यहां से मैं घर के बाहर तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पे कार खड़ी हुई थी, तो मैंने उसको देख के मैं बहुत खुश हो गया, मैं कार से निकल सकता हूँ इधर से। और कार के पास जाके मुझे पता चला कि कार के अंदर तो कोई पार्ट है ही नहीं। ये सारी चीजें ढूंढना इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे को रेडिएटर चाहिए था, फैन चाहिए था, बैटरी चाहिए था और एक्सपेंशन टैंक भी चाहिए था, यहाँ तक कि वहाँ पे सीट भी नहीं था। ये बुड्ढी ने सारी चीजों को कहीं पे छुपा दिया था और यहाँ पे पेट्रोल भी लगने वाला था और ये सारे चीजें मेरे को ढूंढना था। तो मैंने डिक्की खोलते मुझे वहाँ पे सीट मिला, लेकिन वो कार का सीट नहीं था, तो मैंने उसको बाहर फेंक दिया। और आगे जाते ही मुझे वहाँ पे लकड़ी भी मिल चुका था, तो ये आग जलाने के काम में आएगा। और वहाँ पे डोर था, उसको खोलने के लिए मुझे रेड की चाहिए था, तो मैंने सोचा रेड की तो अभी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं लकड़ी को लेकर घर के अंदर आ गया ताकि मैं वहाँ पे लगा सकूं जहाँ पे जलाने के काम में आएगा। तो मैं फटाफट वहाँ पे पहुँच गया, लगा दिया उसको और उसके बाद पता चला कि और भी मेरे को लकड़ी चाहिए।
फिर मैं किचन में आ गया और यहाँ पे सारे ड्रॉ चेक करने लगा ताकि मुझे वहाँ पे कुछ सामान मिल जाए। और तभी मेरे को ब्लू की भी मिल गया और ब्लू की मेन डोर पे लगने वाला था, तो मैं फटाफट मेन डोर पे ब्लू की लगाया और यहाँ पे मेन डोर ओपन हो चुका था। तो मैंने सोचा मेन डोर ओपन हो चुका था तो गेट भी सामने दिख रहा है, तो क्या भाई यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मुझे क्या पता यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था मेरे लिए। और वहाँ पे गेट के पास जाके पता चलता है कि गेट खोल ही नहीं रहा है और गेट को खोलने के लिए बाहर भी कोई भी नहीं है और मेरे पास कोई चाबी वगैरह भी कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे क्यों आया, किस लिए आया, मेरे दोस्त के साथ आके मैं यहाँ पे फंस चुका था और अभी मेरे को दुख मनाने कोई टाइम भी नहीं था। और यहाँ से निकलने के लिए मुझे सारे सामान को ढूंढना था और सामने ही मेरे को गाड़ी का टायर भी दिख चुका था, लेकिन उधर तक कैसे जाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे एक बक्सा था और बक्से को तोड़ने के लिए मुझे एक्स चाहिए था और एक्स काम पड़ा होगा तो मिल ही नहीं रहा है अभी तक। और यहाँ पे आते ही मुझे वो बूढ़ी ने देख लिया था और बूढ़ी मेरे पीछे पड़ चुकी थी डंडा लेके मुझे मारने के लिए। उससे बचते हुए बाहर की साइड में आ गया और ऊपर की ओर मैं भाग के गया, लेकिन यहाँ पे बूढ़ी मेरे पीछे पड़ी हुई थी डंडा लेके मुझे मारने के लिए। भाई तो क्या मैं इधर के साइड भागते आ गया, मैं ताक सोचा कि यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन बूढ़ी तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी थी हाथ धो के। तो मैं यहाँ पे आके बक्से के अंदर छुप गया और बूढ़ी मेरे पास आ गई। मुझे लगा आज तो बूढ़ी ने मेरे को पकड़ लिया और मुझे मार ही देगी, लेकिन बूढ़िया ने मेरे को नहीं देखी थी और वहां से वो चली गई। और वो जैसे ही गई तो मैं फटाफट बाहर आ गया निकल के और यहाँ पे देखा कि बूढ़ी तो यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने ड्रॉ चेक कर लिया और ड्रॉ के अंदर कुछ भी नहीं था। और सामने वो बूढ़ी वो दूसरे कमरे में जा रही थी और सामने मुझे खोपड़ी मिल गई, लेकिन वो कांच में बंद था, उसको तोड़ना था मेरे को। और यहाँ पे कुछ तस्वीर लगे हुए थे, पता नहीं कैसी अजीब सी तस्वीरें थे। और सामने मुझे एक सीढ़ी दिखी तो मैं उसके ऊपर फटाफट चढ़ गया और सामने मुझे बक्सा दिखा, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो गिर गया। और आगे जाते और एक बक्सा दिखा, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था। और साहब आगे जाते ही और एक बक्सा दिखा, तो मैंने इसको जैसे ही खोला, उसके अंदर क्या, उसके अंदर कुछ भी नहीं था भाई, तो गया। और आगे जाते मुझे वहां पे फायरवुड मिल चुका था, लकड़ी मिल चुका था जलाने के लिए, तो मैं आगे की साइड जा ही रहा था तभी मैंने क्या देखा, यहाँ पे प्लांक लगेगा ताकि मैं सामान लेकर आ सकूं उधर से। और मैं सारा जगह ढूंढा नहीं करने लगा, मैं आगे जा रहा था तभी मुझे क्या दिखा भाई, एक सीक्रेट लॉकर दिखा। और जैसे उसको खोलना चाहा, उसको खोलने के लिए मुझे कोड चाहिए था, पता नहीं कोड कहाँ पे मिलेगा। और सामने मुझे ड्रॉ दिख गया और ड्रॉ को खोलते उसके अंदर मुझे रेंच मिला और रेंच बाद में काम आएगा। मैं जैसे बेडरूम के अंदर आया वहां पे एक बक्सा था, जैसे उसको खोला उसके अंदर मुझे रेड की मिल गया और रेड की कहाँ पे उसका आपको तो पता ही है। और ड्रॉ में मुझे दादाजी का सरफ का बोतल दिख गया, ये बाद में काम आने वाला था। और मैं ये लकड़ी को लेके वहां पे लगा दिया जहाँ पे उसको आग जलाना था और आग जलाने के लिए मुझे कुछ लिक्विड चाहिए जैसे उसको जला सकूं मैं। और सामने वो बूढ़ी मेरे को देखते हुए भाग के आ गई मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन मैंने उसको चकमा देके इधर के साइड भाग के आ गया, लेकिन वो बूढ़ी मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ गई थी भाई। और ये स्टैचू के पीछे कोड छुपा के रखी हुई थी बूढ़ी ने, तो मैंने उस कोड को भी ढूंढ लिया और कोड तो मुझे मिल चुका था, लेकिन बूढ़ी को पता चल चुका था क्योंकि मुझे कोड मिल चुका था। बूढ़ी भागते हुए मेरे पास आ गई थी और लेकिन मैंने उसको चकमा देके दूसरे कमरे से जाके निकल के बाहर की साइड आ गया और मैं उस कोड को लगा दिया उस लॉकर पे। और लॉकर को खोलते ही मुझे वहां पे क्या मिला भाई, ऑरेंज की मिल गया। तो मैंने सोचा ऑरेंज की तो कहीं ना कहीं पे यूज आएगा, तो मैं फटाफट उसको लेके जा रहा था तभी बुड्ढी ने मेरे को देख लिया, तो क्या बुड्ढी मेरे पीछे ही पड़ गई मुझे मारने के लिए। मैं बाहर की साइड आ गया और आगे जा ही रहा था तभी मुझे क्या दिखा भाई, वो सामने कुआं दिखा, तो मैं कुएं के पास गया ताकि यहां से मुझे कुछ पता चले क्या है। और वहां से एक चुड़ैल निकली और उसने मुझे पकड़ लिया, फिर मैं बेहोश हो गया। अभी मेरे पास सिर्फ 4 दिन बचा इधर से निकलने के लिए। मैं जैसे ही आंखें खुली मैं जेल के अंदर था, तो मैंने वहां से वो पड़ी हुई ईंट उठा लिया क्योंकि इस ईंट से मैं कांच को तोड़ के खोपड़ी को निकाल सकता हूँ। तो मैं ऊपर की साइड जा रहा था तभी बूढ़ी ने मेरे को देख लिया, तो बूढ़ी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई भाई, तो क्या मैं उससे बचते हुए इधर के साइड आ गया। और ऊपर की जाके मुझे पता चला इस दीवार को तोड़ने के लिए मुझे हैमर चाहिए होता, पता नहीं दीवार के पीछे क्या छुपा हुआ है। और आगे जाते ही मैंने उस कांच को तोड़ दिया और वहां से मैंने खोपड़ी को उठा लिया, मैं साउंड हो चुका था और बूढ़ी भागते हुए इधर आ सकती थी। फिर मैं लाइब्रेरी के अंदर आ गया और वहां से मैंने खोपड़ी को लगा दिया और खोपड़ी को लगाने के बाद मुझे पता चला कि वहां पे कैंडल लगने वाला था, पता नहीं कैंडल कहां पे मिलेगा। मैं ऊपर की साइड ढूंढाढ़ी कर ही रहा था तभी बूढ़ी ने मेरे को देख लिया, तो क्या बूढ़ी मेरे पीछे पड़ गई हाथ धो के मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन मैं उससे बचते हुए दूसरे कमरे में आ गया ताकि यहाँ से कुछ सामान ढूंढ के ले सकूं। और आगे जाते मुझे कुछ ड्रॉ दिखा और उसको खोलते ही मुझे वहां पे क्या कैंडल मिल गया। और दूसरे ड्रॉ को खोलते ही मुझे वहां पे लाइटर भी मिल गया और लाइटर का यूज आगे होने वाला था।
और मैं यहाँ से जा ही रहा था तभी बुड्ढी ने मेरे को देख लिया। तो क्या उसने देखा तो मेरे पीछे ही पड़ गई भाई हाथ धो के। और फिर क्या मैं वहाँ से बचते हुए नीचे की साइड भाग के आ गया ताकि कैंडल को लगा सकूँ मैं। और लाइब्रेरी के अंदर जैसे ही उसको लगाया कैंडल को, वहाँ पे आग जलाना था। आग जलाने के लिए मुझे लाइटर चाहिए, तो मैं फटाफट ऊपर की ओर गया और लाइटर उठा लिया। और लाइटर उठा के जा रहा था तभी मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं ड्रेन टैप लगने वाला था। फिर मैं नीचे की साइड चला गया और जैसे मैं कैंडल को जलाया, कैंडल जलते ही वो सामने का सीक्रेट डोर ओपन हो चुका था और यहाँ पे बुड्ढी तो नहीं थी। मैं जैसे उस कमरे में गया वहां पे मेरे को रेडिएटर मिल चुका था, एक गाड़ी का पार्ट था। तो क्या मैं गाड़ी का पार्ट मिल चुका था, गाड़ी के अंदर तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट बाहर क्या रहा गाड़ी में उस रेडिएटर को लगा दिया। अभी मुझे एक्सपेंशन टैंक चाहिए था, बैटरी चाहिए था और वो फैन भी चाहिए था। पता नहीं कहाँ पे मिलेगा ये सब, लेकिन इस सारे को ढूंढना पड़ेगा। और वहां से वो टायर को भी निकालना था। ये लकड़ी को जलाने के लिए मुझे लिक्विड चाहिए था और लिक्विड से मुझे याद आया कि दादाजी का शराब भी तो डाल सकता हूँ मैं। तो क्या मैं ऊपर की साइड चला गया दादाजी का शराब बोतल लाने के लिए और आगे ही गया था। तो मैंने वहाँ पे ढूंढा ढंडी कर रहा था तभी मैंने क्या देखा, बुड्ढी पता नहीं बाथरूम के अंदर खड़ी होकर क्या ही कर रही थी, किसी को शायद ढूंढ रही थी, शायद मुझे ही ढूंढ रही थी। तो मैं फटाफट उसको इग्नोर मार के यहाँ पे दादाजी का शराब का बोतल उठा लिया और मैंने क्या देखा भाई, बुड्ढी नीचे ही जा रही थी। तो क्या मैं वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने लगा ताकि यहाँ से बुड्ढी वहाँ से चले जाए। और बुड्ढी जैसे उधर साइड गई तो मैंने यहाँ पे क्या देखा भाई, उस दीवार को मैं तोड़ सकता हूँ और तोड़ने के लिए मुझे हैमर चाहिए था। और बुड्ढी भी सामने आ चुकी थी और उसने मुझे देख भी लिया था। तो क्या मैं फटाफट घर के अंदर घुस गया और यहाँ से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बुड्ढी तो देख चुकी थी मुझे यहाँ से आते हुए। तो क्या बुड्ढी मेरे पीछे ही पड़ गई तो मेरे को डंडा लेके मारने के लिए। तो क्या मैं उसको फटाफट चकमा देके बाहर की साइड आ गया ताकि बुड्ढी मेरे को ना पकड़ सके भाई। और बाहर की साइड आके इधर छुप गया था और बुड्ढी इधर आ गई और बुड्ढी यहाँ पे खड़ी होकर ढूंढने लगी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसके पीछे उस बक्से के अंदर छुपा और उसे मैं उसे नहीं देखा तो वहाँ से चली गई। तो मैं फटाफट बाहर के साइड आ गया और यहाँ पे से उस लकड़ी के ऊपर शराब को डाल दिया। अब इससे लकड़ी को मैं जला सकता था और यहाँ पे मेरे को आइस क्यूब लगाना था क्योंकि आइस क्यूब के अंदर कुछ तो सामान था जिसको मैं निकालना चाहता था। और जैसे आइस क्यूब को उठाया और आइस क्यूब को उठा के वहाँ पे लगा दिया ताकि उससे गर्म करके उसको निकाल सकूँ, पिघला सकूँ। और यहाँ पे उसको जलाने के लिए मुझे लाइटर चाहिए था, तो लाइटर मैं लाइब्रेरी के अंदर फेंका हुआ था। तो मैं फटाफट लाइब्रेरी के अंदर जा ही रहा था तभी बुड्ढी भी देख चुकी थी। तो बुड्ढी जा रही थी आगे, तो बुड्ढी जैसे ही आगे चली गई तो मैं फटाफट लाइब्रेरी के अंदर घुस गया ताकि वहाँ से मैं लाइटर उठा के लेके आ सकूँ भाई। और सामने ही मेरे को लाइटर भी मिल चुका था तो मैं लाइटर को उठा लिया और जैसे मैंने आग जलाई वो बर्फ पिघलने लगा। वो बर्फ जैसे ही पिघलेगा मुझे उसके अंदर से एक बिल्ली का स्टैचू मिल जाएगा जो मुझे वो नीचे लगाना था ताकि उस डोर ओपन हो सके और इधर से मैं निकल सकूं भाई। तो क्या मैं फटाफट उससे बिल्ली को उठा लिया और यहाँ पे थोड़ा साउंड भी कर लिया ताकि बुड्ढी इधर आ जाए और मैं भागते हुए नीचे की साइड चला जाऊँ। तो मैंने वही किया और नीचे की साइड भाग के चला गया और मैं पहुँच गया उधर जहाँ पे बिल्ली का स्टैचू लगाना था। बिल्ली का स्टैचू लगाते ही वो डोर ओपन हो चुका था, डोर तो नहीं दीवार ओपन हो चुका था। फिर मैं बिना सोचे उसके अंदर चला गया, लेकिन वहां पे जाके मैंने क्या देखा, वो दीवार अभी बंद हो चुका था, अभी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अभी कैसे निकलूं यहाँ पे, तो मैं फंस चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा था मैं क्या ही करूँ। और वहाँ पे जाके पता चला वहाँ पे फ्यूज जब जल चुका था तो फ्यूज लगाना था और अब फ्यूज लगाने के बाद शायद वो खुलेगा। और सामने वीडियो टेप दिख चुका था और वीडियो टेप का यूज आगे होने वाला था। तो मैं आके बक्सा चेक करने लगा और बक्से के अंदर मुझे क्या मिला भाई, फ्यूज मिल चुका था। तो मैंने सोचा फ्यूज लगा देता हूँ ताकि वो डोर ओपन हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और मैंने फ्यूज लगाते ही मुझे क्या पता चला भाई, यहाँ पे दूसरा भी फ्यूज मिसिंग था, तो दूसरा भी फ्यूज लाना था। तो क्या मैं फटाफट घर के अंदर चला गया और वहां पे और एक बक्सा दिख चुका था मुझे और बक्से को खोलते उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर दूसरे कमरे में चला गया ताकि वहाँ से बक्से से मैं फ्यूज निकाल सकता हूँ और वहाँ पे फ्यूज पड़ा भी था। तो मैंने फ्यूज को उठा लिया और फ्यूज को जाके लगा दिया उसमें अंदर। और उसमें लगाने के बाद तीसरा भी फ्यूज लाना था तो यहाँ पे साइड आ गया और यहाँ पे फ्रिज डोर से ये दरवाजा बंद था लेकिन मैं उसको खोल दिया और सामने मुझे फ्यूज भी मिल चुका था। तो मैंने फ्यूज को उठा लिया और फ्यूज को उठा के बाहर की साइड आ गया और इधर फ्यूज लगा दिया। और फ्यूज को लगाने के बाद मुझे चौथा मतलब आखिरी फ्यूज लाना था तो मैं इस कमरे में चला गया और यहाँ पे बक्से के अंदर फ्यूज पड़ा हुआ था। तो फ्यूज को उठा लिया और जाके उधर लगा दिया ताकि मैं यहाँ से निकल के जा सकूँ। और मैंने जो सोचा था वही हुआ और इसको लगाने के बाद वो डोर ओपन हो चुका था, मतलब दीवार ओपन हो चुका था, अभी मैं जा सकता था। और तभी मैंने वीडियो टेप भी उठा लिया ताकि मुझे काम में आए बाद में। तो मैं फटाफट बाहर की साइड आ गया और फटाफट ऊपर की ओर गया और ऊपर आते हुए टीवी के अंदर कैसेट को डाल दिया और डालने के बाद एक वीडियो चलने लगा। और वीडियो में मैंने क्या देखा, कुएं से वो चुड़ैल निकल के चली गई, मतलब मैं अभी कुएं के पास जा सकता था, अब ये चुड़ैल भाग के नहीं आएगी।
और बाहर आते ही मुझे वहाँ पे वेल फ्रेम मिल चुका था, तो मैं फटाफट उसको उठा लिया और मैं आगे ही गया। लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं वो कुएं से वो चुड़ैल तो अभी नहीं निकलेगा, और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे चुड़ैल तो नहीं निकली, लेकिन वो फ्रेम वहाँ पे लग गया। और दूसरा फ्रेम भी लगाना था मुझे, और वो दूसरा फ्रेम इस गार्डन के अंदर मिलने वाला था। और ये गार्डन इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये बुलबुले टाइप है, इसके अंदर एक बार घुस गए ना तो निकलना इतना आसान भी नहीं है। और आगे जाते ही मुझे वहाँ पे कुएल का फ्रेम मिल चुका था, कुएं का फ्रेम मिल चुका था, तो मैंने उसको फटाफट उधर से उठा लिया। और यहाँ पे रास्ता मेरे को याद था, तो यहाँ से तो मैं फटाफट निकल के बाहर की साइड आ गया। और यहाँ पे वेल फ्रेम लगाते ही मुझे पता चला वहाँ पे एक विंच ड्रम भी लगाना था, और वो सामने मुझे दिख चुका था, तो वो उसके ऊपर ही रखा हुआ था पेड़ के ऊपर, तो उसको फटाफट उधर से निकाल लिया। और निकालने के बाद उसके कुएं के पास उसको लगा दिया। और लगाने के बाद मुझे पता चला वहां पे एक हुक लगने वाला था और एक विंच हैंडल लगाना था, और विंच हैंडल कहां पे पड़ा होगा मुझे पता नहीं था। और मैं बाहर घर के अंदर आ गया और यहां पे हुक पड़ा हुआ था, तो मैंने हुक को उठा लिया और हुक को उठा के बाहर की साइड भाग के गया, ताकि इसको मैं कुएं के पास लगा दूं। और कुएं के पास उसको लगाते ही अभी मुझे हुई चैंडल चाहिए था, पता नहीं हुई चैंडल कहाँ पे पड़ा होगा, लेकिन वहाँ पे ऑरेंज की पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको उठा लिया। और आगे जाके मैं इस घर का दरवाजा ढूंढने लगा कि कहाँ पे इसका दरवाजा, घर का डोर है जिस ऑरेंज की वहाँ पे लगेगा। और मैं पीछे की साइड आके देखा, क्या देखा भाई, वहाँ पे ऑरेंज की लग गया, ये डोर ओपन हो चुका था अभी, तो डोर ओपन करते मैं घर के अंदर घुस गया। और घर के अंदर जाते मुझे वहाँ पे एक्स मिल चुका था, और घर का दरवाजा ओपन करते मैं एक बाथरूम में घुस चुका था, और बाथरूम का वो जो पानी था लाल लाल दिख रहा था, लेकिन उसको निकालने के लिए मुझे ड्रेन टेप चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ पे पड़ा होगा, अभी तक मुझे नहीं मिला था। और आगे जाते मैंने देखा क्या भाई, वुड प्लैंक पड़ा हुआ था, और यहाँ पे बक्सा था उसको तोड़ते ही उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो क्या यहाँ पे साउंड हो चुका था। तो मैं बाहर की साइड आ गया, और आगे जाते वहाँ पे और एक बक्सा दिखा उसको तोड़ते, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं था, तो मैं फटाफट बाथरूम के अंदर आ गया, उसको तोड़ते मैं साउंड हो चुका था, और बूढ़ी भागते हुए मेरे पीछे पड़ गई भाई मुझे पकड़ने के लिए। तो क्या मैं भागते हुए नीचे की साइड चला गया, और नीचे आते ही वहाँ पे बक्सा था जैसे इसको तोड़ा, उसके अंदर मेरे को कार का बैटरी मिल चुका था, तो कार का बैटरी मिल चुका, तो क्या कार में लगाना था। मैं जा ही रहा था, बुड्ढी ने मेरे को देख लिया, तो क्या बुड्ढी डंडा लेके मेरे पीछे पड़ गई, लेकिन क्या मैं उसको चकमा देके इधर के साइड भाग के आ गया। फिर गाड़ी में मैंने बैटरी लगा दिया, और बैटरी लगाने के बाद मुझे एक्सपेंशन टैंक चाहिए और एक फैन चाहिए था, और ये सब कहाँ पे पड़ा होगा मुझे पता नहीं था। मुझे फैन चाहिए था, और फैन को मैंने देख लिया था दूर से ही वहाँ पे रखा हुआ था, और इसके अंदर इसलिए मैं गार्डन के अंदर घुस गया, और गार्डन के अंदर आके मैं यहाँ पे फंस चुका था, क्योंकि एक भूल भुलैया टाइप था, यहाँ पे जहाँ भी जाओ एक ही जैसा दिख रहा था, और यहाँ पे निकलने के लिए जगह भी नहीं था। मैं जैसे जैसे करके साइड से इधर की साइड आ गया, ताकि मैं वहाँ से फैन उठा सकूँ, और लाइट को फॉलो करते हुए फैन को भी उठा लिया, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन मैं जैसे जैसे करके इधर से बाहर की साइड आ गया भाग के, और गाड़ी के अंदर फैन को लगा दिया। अभी मुझे एक्सपेंशन टैंक चाहिए था, और ये कहाँ पे पड़ा होगा मुझे पता था, ये इसलिए नीचे जाना था। और क्या मैं नीचे की साइड आ गया, और यहाँ पे एक्सपेंशन टैंक पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या उसको भी उठा लिया, और क्या उसको उठा के भाग के गाड़ी के अंदर लगाना था। तो गाड़ी के अंदर उसको लगाने के बाद आगे का काम तो सब कुछ हो चुका था, लेकिन गाड़ी का सीट अभी नहीं मिल रहा था मुझे अभी। और क्या, अभी गाड़ी का अभी वो टायर भी चाहिए था, और यहाँ पे पेट्रोल भी चाहिए था मुझे भरने के लिए, और पेट्रोल कहाँ पे पड़ा होगा अभी तक मुझे नहीं मिला था। और ये सीट भी चाहिए था, सीट पता नहीं सीट को कौन चुराता है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आगे आते मुझे यहाँ पे टैप तो मिल चुका था, ट्रेन टैप, लेकिन यहाँ पे बूढ़ी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो क्या मैं उसको चकमा देके जैसे जैसे करके इधर साइड आ गया, और यहाँ पे मैंने टैंक उसके सामने ड्रेन टैप उठा लिया, और उठा के बाहर की साइड भाग के आ गया। और आगे जाते मैंने यहाँ पे ड्रेन टैप लगा दिया, और लगा के इसको ड्रेन करते मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, इतना मेहनत किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई। फिर मैं बाहर वाले घर के पास पहुंच गया, क्योंकि इधर भी एक बाथरूम था और इसको भी ड्रेन करना था, ताकि मुझे यहाँ से कुछ तो सामान मिल जाए, सीट मिल जाए, लेकिन मुझे वहाँ पे क्या मिला भाई, एक मॉप ड्रिल मिला, लेकिन ये मेरे कोई काम का नहीं था, तो मैंने वहाँ से ड्रेन टैप उठा लिया, ताकि यहाँ से और कई जगह पे काम आ जाए। मैं बेडरूम के अंदर जैसे आए वहाँ पे मेरे को रेड की मिल चुका था, तो रेड की से वो नीचे वाले जो घर है उसको खोलना था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। मुझे क्या पता था दादी मेरे आगे इंतजार कर रही है, और दादी मेरे पीछे भी पड़ चुकी थी, तो दादी भी मेरे पीछे तो आ रही थी, लेकिन मुझे उससे बच के बाहर जाना था। तो क्या मैं भागते हुए इधर के साइड आ गया, और वो बुढ़ी की आँखें इतनी कमजोर थी उसको मेरे देख ही नहीं पा रही थी, और मैं यहाँ से रेड की लगा के दरवाजे ओपन कर लिया, और दरवाजे ओपन करते ही सामने फ्रिज था, और फ्रिज को खोलते मुझे वहाँ पे क्या मिला भाई, वहाँ पे हुई चैंडल मिल चुका था,
तो क्या मैं इतना खुश हो गया भाई, तो क्या मैं विच हैंडल को लेके कुएं के पास पहुंच गया ताकि मैं उसके अंदर से क्या निकलेगा भाई वो देख सकूं। और विच हैंडल को वहां पे मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद क्या करना था भाई, विच हैंडल को मैंने घुमा लिया ताकि यहां से उसके अंदर क्या है उसको मैं निकाल सकूं। तो मैंने जैसे वो हुक को नीचे डाला और ऊपर की ओर उठाया, उसके अंदर मेरे को क्या मिला भाई, उस गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल मिल चुका था। मैं बहुत खुश हो चुका था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। और जैसे मैं आगे गया और बुड्ढी ने मेरे को पकड़ लिया और बुड्ढी ने डंडा मार के मुझे वहीं पे बेहोश कर दिया। और मेरे पास अभी 3 दिन बचे हुए थे यहाँ से निकलने के लिए, तो मैं यहाँ पे जेल के अंदर था, मैं फटाफट बाहर की साइड भाग के गया ताकि वहां से मैं निकल सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था आगे मेरी मौत तो पूरा मेरे हाथ धो के पड़ चुकी थी, और बुड्ढी मेरे सामने आ गया और उसने मुझे मार के फिर से बेहोश कर दिया। और अभी मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे यहाँ से निकलने के लिए। फिर मैं जैसे जैसे करके बाहर की साइड आ गया और यहाँ पे मैंने फ्यूल उठा लिया, और फ्यूल उठाने के बाद क्या किया भाई, मैं गाड़ी के अंदर जाके पेट्रोल को डाल दिया ताकि यहाँ से मैं निकल के जैसे जैसे करके बाहर चला जाऊँ भाई। तो क्या मैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल तो भर लिया, अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए था और वो सीट, लेकिन एक ही चीज नहीं, तभी मुझे मैंने क्या देखा भाई वहाँ पे, तो गाड़ी का टायर भी तो मिसिंग था ना, टायर को भी उठाना था। तो क्या वहाँ पे टायर ऊपर की साइड के था और उसको लाने के लिए मुझे ऊपर की साइड जाना था। तो क्या इसके अंदर घर के अंदर आ गया, यहाँ पे मुझे हैमर भी मिल चुका था, तो हैमर से मैं दीवार तोड़ सकता था। और तो क्या मैं घर के अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने दीवार को तोड़ दिया, तोड़ने के साथ साउंड भी हो चुका था, तो बुड्ढी भागते ही ऊपर की साइड आ गया। अगर मैं सही टाइम पे अगर ऊपर नहीं भागता तो बुड्ढी मेरे को डंडा वहीं पे मार देती। तो क्या बुड्ढी को भगा तो इधर के साइड लेके आया और उसको चकमा दे के घर के अंदर घुस गया मैं। और थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने क्या देखा भाई, मैं उस बाथरूम में आ चुका था जिस बाथरूम में पहले नहीं आ पा रहा था, और यहाँ पे वो रास्ता था बाहर जाने का, लेकिन मैं यहाँ से कूद के बाहर नहीं जा सकता था। और यहाँ पे एलो की पड़ा हुआ था और सीढ़ी पड़ा हुआ था, और एलो की उठा के मैं दरवाजा को पहले ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने सीट उठा लिया। ये सीट थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, लेकिन ये यूज आ जाएगा काम में, और ये दोनों काम में आ सकता है। तो क्या मैं उस सीट को लेके बाहर की साइड आकर गाड़ी के अंदर लगा दिया, और ये कुछ अजीब सा दिख रहा था लेकिन इससे काम चल जाएगा मेरा। यहाँ तक सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक ही चीज बचा हुआ था, वो था टायर। टायर को लाने के लिए ऊपर जाना था, और ऊपर जाने के लिए ऊपर का दीवार तोड़ना था, और वहां के लिए जाने के लिए वो बुड्ढी को भी नीचे लाना, चकमा देके नीचे लाना था। तो क्या मैं उस बुड्ढी को नीचे बुलाने के लिए वहां पे थोड़ा साउंड कर दिया ताकि यहाँ पे बुड्ढी भागते हुए आए, लेकिन बुड्ढी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नहीं, थोड़ी देर बाद बुड्ढी भागते हुए नीचे की साइड आ गई, और बुड्ढी ने मेरे को देख लिया था तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी थी वो। तो क्या मैंने उसको चकमा देके इधर के साइड भाग के गया आगे की ओर, और आगे जाते दरवाजा ओपन करके मैं ऊपर की ओर भागते हुए गया ताकि बुड्ढी जब तक आए मैं भाग के ऊपर की ओर चला जाऊँ। और मैं वही किया, ऊपर की ओर भाग के चला गया, और वहां जाते ही मैंने दीवार को अच्छे से तोड़ दिया ताकि मैं उधर की साइड जा सकूं, और उधर की साइड मैं चला गया। और इधर थोड़ा मैं संभल संभल के चल रहा था ताकि मैं यहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ भाई, नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा भाई। तो क्या मैं वहां से जैसे जैसे करके वो टायर को उठा लिया, और यहाँ पे हैमर भी नीचे गिर चुका था, मैंने टायर को भी नीचे फेंक दिया ताकि मैं नीचे जाके उसको उठा लूं। और यहाँ पे मैं कूद के नहीं जाने वाला था क्योंकि यहाँ पे नीचे कूद जाऊंगा तो भाई हड्डी पसली टूट जाएगी, और यहाँ पे साउंड हो चुका था, बुड्ढी भागते हुए नीचे की ओर जा रही थी। तो क्या मैं बुड्ढी के पीछे पीछे भाग के नीचे की ओर चला गया, और यहाँ पे बुड्ढी पता नहीं क्यों वो दरवाजा बंद करके उधर की साइड चले गई, और मैं यहाँ पे टायर को जाके लगा दिया। और टायर को लगाने के बाद मुझे वहां पे स्क्रू टाइट करने के लिए रेंच चाहिए था, और रेंच कहां पे पड़ा होगा मुझे तो पता था, ऊपर की साइड था। तो मैं ऊपर की साइड पहुंच गया, रेंच को उठा लिया, और रेंच को उठाने के बाद क्या भाई मैं फिर के चला गया उस गाड़ी के पास ताकि मैं स्क्रू को टाइट कर लूं भाई। और मैं आखिरी बार देख रहा था इस घर को क्योंकि मैं अभी तो इस घर से निकलने वाला था, और मैंने क्या देखा भाई, बुड्ढी भागते ऊपर की ओर जा रही थी, अभी बहुत उदास थी वो क्योंकि मैं यहां से चला जाऊंगा ना, अभी तो कोई नहीं उसके साथ। तो मैं बाहर साइड आ गया, और यहाँ पे आगे की जाते ही यहाँ पे मैंने सारे स्क्रू को टाइट कर लिया ताकि यहाँ पे गाड़ी ठीक से चले भाई, नहीं तो फिर टायर निकल जाएगा तो रास्ते में तो मैं फंस के रह जाऊंगा भाई। तो क्या यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका था, गाड़ी को तो मैंने सही कर लिया था, अभी बस यहाँ से निकलना था। लेकिन ये सीट थोड़ा मेरे को अजीब सा दिख रहा था, इससे 2 काम हो सकता था, यहाँ से बच के भी मैं निकल सकता था, और यहाँ पे अगर टट्टी लगे तो उसके ऊपर ही मैं बैठ के कर सकता था। लेकिन जो भी हो, यहाँ से मैं निकल के जाने वाला था। तो क्या मैं फटाफट वहां से गाड़ी का स्टार्ट किया और यहाँ से मैं निकल के चला गया भाई। तो दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर लिखना आप लोगों को ये वाला इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।